Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. This is grade 10 English and this is chapter number 4, Little Things. This is a small poem, a piece of this poem, you can say. This poem ka ek tukda hai. There are other verses of this poem which are not in this book of yours. So today we will read this poem and see what it means. We will also discuss a little bit about the poet of this poem. The name of the poem is Little Things. This poem is written by Julia Carney. She lived from 1823 till 1908. She was an American verse writer. She was born in Boston and died in 1908. Not much is known about her. This poem was first published in 1845. It is a simple children's song to explain that even little things are important. Ab ye jo poem hai ye Miss Julia Carney ne likhi. She lived from 1823 till 1908. She was an American and she was born in Boston. Boston is a city in America, in the United States of America. She died in the year 1908. So there's not a lot known about this poet. हमें इस poet के बारे में इतना ज़्यादा जो है नहीं पता है. This particular poem, Little Things, was first published in 1845. And this is a children's song. ये बच्चों के लिए जो है लिखा गया था ताकि जो है उनको इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि जो छोटी चीज़ें हैं, little things, जो छोटे छोटे मामलात हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही अहम होते हैं. सो आई विल रीड दिस पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा एंड आई विल एक्सप्लेन इट स्टैंजा बाय स्टैंजा. लेट्स गो. दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड. अब यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कंपेरिजन करके कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी पानी के छोटे छोटे कतरे मिलके जो है क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े समंदर बन जाते हैं. एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड और इसी तरह मिट्टी के जो है छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं ये मिलके जो है दे मेक द प्लेजेंट लैंड, ये हमारे खुशगवार जो ज़मीन बनती है ये मिलके बना देते हैं. तो यहाँ पर लिटिल थिंग्स की इम्पोर्टेंस को सेट किया जा रहा है कि जैसे छोटे कतरे पानी के और छोटे ज़र्रे जो रेत के हैं, जो मिट्टी के हैं, वो मिलके इतनी बड़ी चीज़ें बनाते हैं विच मेक अ ह्यूज विच हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आर लाइफ, जिनका एक बहुत बड़ा असर है हमारी ज़िंदगी पर. जैसे कि जो छोटे कतरे पानी के वो माइटी ओशंस बना रहे हैं, ज़बरदस्त और बेलगाम जो ये समंदर हैं ये बनाते हैं. फिर इसी तरीके से जो है ये जो ग्रेन्स ऑफ सैंड हैं ये मिलके प्लेजेंट लैंड बनाते हैं जिस पे हम रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके ये बड़े काम कर जाती हैं. तो ये छोटी चीज़ का इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, ये एक जो है वो इम्पोर्टेंस सेट की जा रही है. सेकेंड स्टांजा, दिस वन. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन लाइक द हेवन अबव. अब इसी तरीके से जैसे छोटे पानी के कतरे मिलके समंदर बन जाता है, छोटे ज़र्रात रेत के या मिट्टी के मिलके जो है ये खुशगवार ज़मीन बनती है, इसी तरीके से लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस और लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, जब जो है वो छोटे छोटे आमाल नेकी के, रहमदिली के, एक दूसरे से बाहमियत के हम करते हैं और छोटे छोटे अल्फाज प्यार मोहब्बत के एक दूसरे से बोलते हैं, तो क्या होता है इससे, क्या होगा कि दे विल These actions will make our world an Eden like the heaven above. तो ये जो हमारी दुनिया भी है ना जिसमें हम रहते हैं, ये दुनिया भी बिल्कुल Eden के जैसी हो जाएगी जो कि जन्नत में मौजूद है. अब Eden क्या है? Eden is the paradise where हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, Adam and Eve, बीबी हव्वा जो हैं उनको जो है वहाँ पर रखा गया था. It's a garden of paradise. ये जन्नत में मौजूद एक बाग है जिसका नाम है ईडन. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम छोटे छोटे आमाल रहमदिली के, अच्छाई के करेंगे एक दूसरे से, छोटे छोटे अल्फाज एक दूसरे से मोहब्बत के, प्यार के बोलेंगे,
तो क्या होगा कि ये जो दुनिया है हमारी ये भी अमन का गहवारा बन जाएगी. इट विल बिकम अ पीसफुल एंड हार्मोनियस प्लेस फॉर अस टू लिव. ये एक सुकून की जगह बन जाएगी जहाँ पे खुशगवार माहौल में तमाम लोग एक साथ मिलजुल के रह सकेंगे. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कम्स टू यू एंड दैट पर्सन इज इन नीड, तो आप उसकी जो है वो मदद कर दें. और नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द डीड दैट यू डन इज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो अमल था वो बहुत बड़ा था या छोटा था. नहीं, कोई गिर गया, आपने उसको हाथ दे के उठा लिया ज़मीन से, पूछ लिया कि आप ठीक हैं नहीं हैं. आप कोई बीमार था, somebody was ill, you visited them, आप जो है उनकी आयादत के लिए चले गए. तो ये छोटे छोटे काम हैं, दिखने में तो बज़ाहिर बहुत छोटे हैं, बट दे हैव अ ह्यूज इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइव. इसी तरीके से छोटे छोटे अल्फाज हैं प्यार मोहब्बत के, थैंक यू, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक दूसरे से जो है वो हाउ आर यू, और वो हैपन, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, इस किस्म के जो छोटे छोटे अल्फाज हैं आप एक दूसरे को बोल सकते हैं. किसी को चेयर अप करने के लिए आप जो है वो छोटे अल्फाज बोल सकते हैं कि कम ऑन चेयर अप, इट गेट बेटर, इस किस्म की हौसला देने वाली छोटी छोटी चीज़ें, बट दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर लाइव्स. तो इसका यही इस पोम का मैसेज है कि जो है लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स, दे कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन चेंज, दे कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइव अराउंड द ग्लोब, दे कैन इवन चेंज द वर्ल्ड इटसेल्फ. ये पूरी दुनिया को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं इफ़ पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू डू दीज deeds of little deeds of kindness and are ready to speak these little words of love to one another. I hope that you were able to understand the meaning and the message of this poem, and I also hope that you would practically apply some of these little deeds of kindness and little words of love in your own life. Till next time, Allah Hafiz.